कि जिंदगी में तीन रास्ते हैं और इन तीन रास्तों में से आप किस रास्ते पर चलोगे वो चॉइस सिर्फ आपकी है, वो डिसीजन आपके लिए आपके सिवा और कोई नहीं ले सकता। पहला रास्ता जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है वो है डर का रास्ता, फेलियर का डर। बड़ा खतरनाक रास्ता है ये और बहुत लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ नहीं है वहां, फेलियर ही फेलियर है, जीते जी मर जाओगे। जो करना चाहते हो अगर वो ही नहीं किया तो क्या फायदा है जिंदगी का, सिर्फ जिंदगी कटेगी, जी नहीं पाओगे। ये एक रास्ता है, चूज करना है, आपकी चॉइस है। एक दूसरा एक्सट्रीम है लालच का रास्ता, कि फटाफट से बस गेट रिच क्विक, कि फटाफट से अर्निंग आ जाए कहीं से भी, सीखना ना पड़े। ये क्या बोरिंग काम बता रहे हो, सीखना पड़ेगा, अरे भाई इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। फटाफट से 6 महीने में किसी कंपनी में जाकर के पैसा लगाऊं 50,000, 6 महीने बाद 1,00,000 रुपए मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये एक रास्ता है, इसको बोलते हैं फोकस ऑन अर्निंग, लालच का रास्ता। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक सिंपल सा रास्ता है जो गारंटीड सक्सेस की तरफ जा रहा है, वो है लर्निंग का रास्ता, सीखने का रास्ता, खेल का रास्ता, खिलाड़ी बनने का रास्ता, भिखारी बनने का नहीं, भिखारी बनने का नहीं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। और होगा क्या कि जैसे ही आप इस रास्ते पर चलोगे, चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा, और सच बता रहा हूं पता भी नहीं लगेगा कि कब आप एक नॉर्मल बीइंग से सुपर ह्यूमन बन जाओ, पता भी नहीं लगेगा। मैजिशियन बन जाओगे, जादूगर, दुनिया के लिए जो एक जादू के जैसा होगा आपके लिए खेल होगा, खेल। ध्यान से देखो अपने आसपास में, जो भी लोग जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो जादू नहीं है, जादू है। एआर रहमान का म्यूजिक सुनो, कई बार हुआ है आप लोगों के साथ में म्यूजिक सुन रहे हो, सुनते सुनते खो गए और बाहर आए, कमाल है यार, ये क्या है, ये इट्स प्योर मैजिक, मैजिक। किसी सिंगर की आवाज सुन रहे हो, लता मंगेशकर की, किसी की भी, सुनते 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 एकदम से खो गए, बाहर आए, आकर के कहा यार मैजिक, ये क्या हुआ मेरे साथ में, ऐसा कैसे हो सकता है, एक आवाज ही तो है, एक गाना ही तो है, ये मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गए, ये मेरी ऐसी हालत क्यों हो गई, क्या हो रहा है। ये होता है, क्रिकेट का मैच देख रहे हो, महेंद्र सिंह धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए देखा और कहा मैजिक, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, ये आता है माइंड में कि इट्स प्योर मैजिक। मन करता है बार बार देखने का, मन करता है। किसी एंटरप्रेन्योर को देख रहे होते हो बड़े लेवल पे बिजनेस करते हुए, अंदर से क्या आवाज आती है, मैजिक, कमाल है यार। जैसे मेरे साथ होता था जब मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया, तो उस टाइम पे जैसे ही मैं किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कहानी पढ़ता था, मतलब कि उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता था, या उनकी बातें सुनता था, या जो उन्होंने लिखा है सक्सेस के बारे में वो पढ़ता था, या उनके बिजनेस को देखता था कि किस तरह का वो बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर रहे हैं, तो मेरे अंदर से आता था, मैंने कहा यार ये बंदा है या क्या है, कि मेरे से तो छोटी छोटी चीजें मैनेज नहीं होती और ये इतनी चीजें मैनेज कर रहा है, इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर रहा है। मेरे से तो अपने घर में अपनी फैमिली मैनेज नहीं होती, अपनी वाइफ मैनेज नहीं होती, बच्चे मैनेज नहीं होते, और ये हजारों लोगों की टीम मैनेज कर रहा है, कर क्या रहा है, ये हजारों काम कर रहा है, कैसे कर पा रहा है, किसी इंसान के लिए कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, कैसे कर दिया, स्क्रैच से, आता है माइंड में, मेरे माइंड में बहुत आता था। लेकिन आज जब उन सारे स्टेजेस को मैं क्रॉस कर चुका हूं, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप सबको ये बात बोल सकता हूं, और हो सके तो इसको अपने अंदर तक जाने देना कि मैजिक वैजिक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है मैजिक नाम की, सिर्फ खेल है। और हम सब आप भी और मैं भी इस दुनिया में चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग खेल खेल रहे हैं, हम सब खिलाड़ी हैं, अलग अलग फील्ड्स के खिलाड़ी हैं। बस फर्क क्या है, किसी खिलाड़ी की ऑब्जर्वेशन पावर्स थोड़ी सी कम डेवलप हुई है क्योंकि उसने उस पर कम काम किया है,
किसी ने ज्यादा काम किया है तो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा डेवलप हो गई, जिस वजह से वो उन चीजों को देख पा रहा है जो और लोग देख करके भी नहीं देख पा रहे, और वो उन चीजों को कर पा रहा है जो और लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि वो उसको देख ही नहीं पा रहे। दूसरा फर्क क्या है? किसी खिलाड़ी की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है और किसी की बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक मैजिशियन 2 मिनट की ट्रिक दिखाता है जिसको देख करके लोग बोलते हैं भैया कमाल है, मैजिक है, मैजिक है। उस ट्रिक के लिए कितने साल उसने लगाए हैं उसको परफेक्ट करने के लिए वो कोई नहीं जानता, वो किसी को नहीं पता। साहब बकवास है, मैजिक वैजिक नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी एक बात है जो अगर हो सके तो अपनी गांठ बांध लो कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, अपने अंदर से करना चाहते हो, और उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो।